नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज रोहित सिन्हा। सनसाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज वीडियो हम लोग पढ़े थे भूमि संसाधन, जिसमें हम पढ़े थे भूमि संसाधन किसे कहते हैं, मृदा किसे कहते हैं, मृदा के कितने प्रकार है। आज हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। जलोढ़ मृदा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, जलोढ़ मृदा के तत्व क्या है, जलोढ़ मृदा में कौन से फसल उपजाए जाते हैं, इन सारे टॉपिक्स को जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बस देखते रहिए। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो जलोढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को, यानी जल के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है उसी मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। जैसे कि हमारा उत्तरी का मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, हमारा उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यहाँ पर जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती है, और वो अवसाद उत्तरी मैदान में ला के छोड़ देती है, और उन्हीं अवसादों से जो है हमारा जलोढ़ मृदा बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तरी मैदान है जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। और ये किन किन कौन कौन नदियों से बनाया गया, कौन कौन नदी जो है ये जलोढ़ मृदा को लाती है, तो बोलेगा सिंधु नदी। तो हम बोल सकते, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी नदियां जो है जलोढ़ मृदा को लाती है या बनाती है, तो हम बोलेंगे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। और ये तीनों नदियां जो है हिमालय की नदियां, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियां हिमालय की नदियां हैं और ये जो है जलोढ़ मृदा को बनाती है। इसका विस्तार कहाँ तक है? तो ये भारत में 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। ये जो है भारत में 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ। अब जानते हैं राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारे राज्यों में जो है ये मृदा पाया जाता है। फिर से मैं बोलता हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में ये पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा के तत्व क्या है, कौन से फसल इसमें उपजाए जाते हैं, ये भी हम समझते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जलोढ़ मृदा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है क्वेश्चन आता है तो आप इसे याद कर लेंगे। अब जलोढ़ मृदा के तत्व, पहले हम जान लेते हैं जलोढ़ मृदा में उपजाए जाने वाले फसल। जलोढ़ मृदा में उपजाए जाने वाले फसल, मृदा में उपजाए जाने वाले फसल, पहला है दलहन, चावल, दलहन चावल और जलोढ़ मृदा में उपजाए जाने फसल दलहन चावल गन्ना। ये जो फसल है मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में, ये जो फसल है मुख्य रूप से उपजाए जाते हैं दलहन चावल गन्ना। दलहन मतलब जितने तरह के दाल होते हो वो सारे दाल उपजाए जाते हैं। अब जलोढ़ मृदा के तत्व क्या है वो जानते हैं, यानी कौन कौन से जो है इसमें तत्व पाए जाते हैं। तो पहला है पोटास, फास्फोरस और चूना। ये जो है जलोढ़ मृदा के तत्व है, जलोढ़ मृदा के तत्व पूछेगा तो क्या बोलेंगे, पोटास, फास्फोरस, चूना। जलोढ़ मृदा में उपजाए जाने वाली फसल है दलहन चावल गन्ना, जलोढ़ मृदा के तत्व जो है पोटास, फास्फोरस, चूना। और अब ये जो है जलोढ़ मृदा खत्म हुआ, एक लास्ट जो है इसका जलोढ़ मृदा खत्म हुआ। अब ये उम्र के आधार पर जो है हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, उम्र के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने तरह के होते हैं। उम्र के आधार पर जलोढ़ मृदा दो तरह के होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर और बांगर,
तो समझते हैं, उम्र के आधार पर जलोर मिलता, उम्र के आधार पर जलोर मिलता दो तरह के होते हैं। उम्र के आधार पर जरूर मिर्दा दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला है बांगर, क नंबर में आ जाएगा बांगर। दूसरा है खादर। बांगर खादर, बांगर खादर है ये। दोस्तों बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। पहले मैंने पहले ही बताया कि उम्र के आधार पर दो तरह के जलोर मृदा दो तरह के होते हैं, खादर और बांगर। तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए जानते हैं क्या अंतर है। खादर पुरानी जलोर मृदा को खादर कहते हैं। खादर क्या होता है? पुरानी जलोर मृदा होता है। खादर जो है पुरानी जलोर मृदा है। बांगर क्या है? नई जलोर मृदा। खादर पुरानी जलोर मृदा है, बांगर नई जलोर मृदा। यानी खादर पुरानी जलोर मृदा, बांगर नई जलोर मृदा। इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। इसमें महीन कण पाए जाते हैं। यानी जो है हम पुरानी खादर का ये जो मैंने परिभाषा भी लिख दिया और अंतर स्पष्ट भी आप इसी से दो पॉइंट लिखकर कर सकते हैं। परिभाषा इसका ये है कि जलोर पुरानी जलोर मृदा को खादर कहते हैं, इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता। बांगर किसे कहते हैं? तो नई जलोर मृदा को बांगर कहते हैं, इसमें महीन कण पाए जाते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो आप एक लाइन खींच के जो है आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, जैसी मर्जी आप वैसे लिख सकते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, पुरानी जलोर मृदा को खादर कहते हैं, इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। बांगर नई जलोर मृदा को बांगर कहते हैं, इसमें महीन कण पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में ये आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं वो उनके पास ये पहुँचे। और तब तक के लिए थैंक यू।